स्टूडेंट आज हम एक ऐसा टॉपिक करेंगे कि जो हमारी बुक्स में तो होता है लेकिन उसको उस वे में एक्सप्लेन नहीं किया जाता जिससे हमारी हिस्ट्री में उसकी सिग्निफिकेंस को बच्चे समझ नहीं पाते बेसिकली शिमला डेपुटेशन वाज टर्निंग पॉइंट इन द मुस्लिम स्ट्रगल इन सब ये वो पॉइंट था जे जो मुस्लिम्स की अलग आइडेंटिटी को ना सिर्फ ब्रिटिशर्स को कन्वे करता है बल्कि मुस्लिम्स के अंदर ख़ुद एक पॉलिटिकल अवेक्निंग एक इंक्रेजमेंट लेके आता है और फिर जो डिमांड्स ये जाके लॉर्ड मिंटो से करते हैं ये वाली डिमांड्स इन फ्यूचर मुस्लिम्स का पॉलिटिकल कोर्स उसको डिफ़ाइन करती हैं और यहाँ से कुछ प्रविलीज़ ये उनसे गेन करते हैं वो प्रिवलीजेज जो हैं वो कांग्रेस के लिए उनके गले का कांटा बन के रहती हैं जब तक कि ये पार्टीशन नहीं हो जाती ये डेपुटेशन 1906 में क्या था इसमें टोटल तो थर्टी फाइव लोग थे और इसको सर आगा खान ने लीड किया था लेकिन इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री ये थी कि 1905 में लिबरल पार्टी ने ब्रिटिश इलेक्शंस को विन कर लिया और ये जो लिबरल पार्टी होती है ये लोगों को फ़्रीडम्स देने की बात करती है पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म्स की बात करती है तो ये एटेंड पार्टी होती है तो इन लोगों ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म्स लेकर आएंगे तो ये जो मुस्लिम्स थे ये जो अलीगढ़ वाली मुस्लिम लीडरशिप थी उनको ये फील हुआ कि हमें भी अपनी डिमांड्स को जाके वॉयसराय को कन्वे करना चाहिए ताकि जो भी नया पॉलिटिकल सेटअप आए नया पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए उसमें मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके सो so, वो जो अलीगढ़ के प्रिंसिपल थे जिनका नाम मिस्टर आश गोल्ड था उनसे मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि उनके जो लिंक्स थे विद वाइस राय एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उनको यूज़ करते हुए वो वाइस राय से इनको अपॉइंटमेंट ले दें वाइस राय उन दिनों छुट्टियों पे थे छुट्टियाँ ये आप जैसे कह लें कि हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो गर्मियों में ब्रिटिशर्स ये करते थे कि कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट कर देते थे, थे। शिमला के मकाम पर शिमला एक ठंडा मकाम था तो वो वहाँ पे शिमला पे अपना टाइम गुजार रहे थे ये डेपोटेशन तैयार होता है थर्टी फाइव मुस्लिम जो लीडर्स हैं और ये जा के शिमला के मकाम पे नाइनटीन जीरो सिक्स मिलते हैं दैट्स वाई वी कॉल इट शिमला डेपटेशन ये वहाँ पे जा के डिमांड्स क्या करते हैं और ये बड़ी ही वाइज डिमांड्स थी सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरीट सेपरेट इलेक्टोरीट क्या होता है ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने का एक तरीका है जिसमें आप माइनॉरिटीज़ की सीट को सेपरेट कर देते हैं अगर आपके पास कोई ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनॉरिटी है मुस्लिम्स ट्वेंटी सिक्स परसेंट थे तो आप उनकी ट्वेंटी सिक्स परसेंट सीटें सेपरेट कर दें उनके ऊपर वोटर भी मुस्लिम होगा एंड कैंडिडेट भी मुस्लिम होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आपकी परसेंटेज के मुताबिक सीटें मिल जाएंगी लेकिन ये जो फार्मूला पाकिस्तान में अगर हम करंटली बात करें तो माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा है और यह माइनॉरिटीज़ ने खुद चूज़ किया था वहाँ पे तो भी कोटा डिमांड किया जा सकता था लेकिन इन्होंने कोटा डिमांड नहीं किया सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया अगर कोटा डिमांड किया जाता तो मुस्लिम्स के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग ना हो सकती मुस्लिम लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप ना हो सकती सेपरेट इलेक्ट्रेट का फ़ायदा ये है कि मुस्लिम्स इलेक्शन में जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनेंगी पॉलिटिकल कैंपेन्स होंगी तो उससे मुस्लिम जो हैं ये पॉलिटिकली एक्टिव भी होंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिमांड थी और बाद में जाके जब ये आ, कांग्रेस की तरफ से नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 की तो वो यही था कि भाई और भी पॉइंट्स थे लेकिन ये सेपरेट एलेक्ट्रोट को वो कह रहे थे भाई इसको ख़त्म करें फिर बाद में मुस्लिम्स की देखा देखी नाइनटीन के अंदर जो अदर कम्यूनिटीज़ थी उन्होंने भी सेपरेट एलेक्ट्रेट डिमांड करना शुरू कर दिया और उनको भी मिल गया तो यहाँ से जो हिंदू डोमिनेंस थी उसको कमज़ोर किया गया थ्रू दिस डिमांड और जब तक पाकिस्तान नहीं बना कांग्रेस यही कहते थे भी इसको ख़त्म करें इसको ख़त्म करें लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ रिक्वेस्ट फॉर वेटिज अब देखें पापुलेशन तो है ट्वेंटी सिक्स परसेंट और कोई भी जो रिफॉर्म्स होती हैं वो थर्टी थ्री सॉरी सिक्सटी सेवन परसेंट लोगों की मर्ज़ी से होती हैं अभी भी पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है दैट इज़ डन बाय टू थर्ड मेजोरिटी तो इसमें डिमांड ये थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमें थर्टी थ्री परसेंट रिप्रजेंटेशन दी जाए मतलब मोर देन अवर वेटेज जो है ना वो दी जाए और इवन प्रोवेंसेज के अंदर भी हमें हमारी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा वेटेज दी जाए ताकि हमारा पॉलिटिकल वेट जो है इसको फील किया जा सके फिर नेक्स्ट था जॉब्स के अंदर कोटा दिया जाए मुस्लिम जो हैं 1857 से ऑनवर्ड्स एजुकेशन भी नहीं थी और ये प्रसिक्वेशनस का भी शिकार थे तो अब ये कहा गया कि हमें स्पेशल कोटा दिए जाएँ ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर की जा सके वो जो प्रीवियसली 50 ईयर्स से उसमें हिंदू टॉप सीट्स पे जा चुके थे और वो अपने लोगों को आगे लाते थे अगर मुस्लिम्स का कोटा होगा दैन आप उनको पीछे रख ही नहीं सकते आप उनको रोक ही नहीं सकते सेम जुडिशरी में भी डिमांड किया गया प्लस एग्जेक्टिव काउंसिल मतलब ये जो काबीना होती है ये जो वजारतें होती हैं वो डिमांड की गई यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट्स में और मुस्लिम्स के लिए यूनिवर्सिटी डिमांड की गई अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांगी गई है सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया है जॉब्स में हिस्सा मांगा गया है जुडिशरी में हिस्सा मांगा गया है और मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिमांड किया गया वायसराय बड़ा खुश हुआ वायसरय को लगा कि ये मुस्लिम्स जो कि पिछले पचास साल से बाइकआउट करके बैठे हुए थे अब उन्होंने हमारे पोलिटिकल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने बड़ा वेलकम किया इनसे कहा कि आपकी जो डिमांड्स हैं ये बिल्कुल जेन्यन हैं और आ, मुझे भी एहसास है कि मुस्लिम्स के साथ अच्छा नहीं हुआ तो हम अब उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे तो इस चीज़ ने मुस्लिम्स को फर्दर इकेज किया अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑलरेडी ऊपर किसी हद तक मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहली बात तो यह है कि इससे सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया और सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिकली बेसिस था सेपरेट होम लैंड कि जैसे हमारा ये जो पोलिटिकल सिस्टम सेपरेट हो गया तो उससे मुस्लिम्स को आगे चल के अवेयरनेस मिली मुस्लिम मैसेज को भी मुस्लिम लीडरशिप को भी तो यही लीडरशिप जो है ये फिर आगे चल के एक सेपरेट होम लैंड को क्रिएट करती है और यही ये यह जो सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रेट वाला जो डिमांड थी इससे ब्रिटिशर्स को भी कन्वे हो गया कि मुस्लिम्स जो हैं ये एक इनकी आइडेंटिटी सेपरेट है और ये इस सेपरेट आइडेंटिटी को फील करते हैं तो टू नेशंस का वो जो एक आइडिया था जो सर सै से ओरिजिनेट होता है ये उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म भी दी गई और फिर वापस आके जब इन्होंने देखा कि वाइसराय तो बड़ा अच्छा था और पॉलिटिकल डिमांड्स जो हमने रखी हैं उसने उन पे पॉजिटिव नोट भी दिया है तो फिर वापस आके इन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी कि हमें एक ऐसा पॉलिटिकल फोरम इस्टबलिश करना चाहिए जिसके थ्रू हमारी डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुँचती रहे तो मुस्लिम लीग को क्रिएट किया गया यही मुस्लिम लीग बाद में चल के पाकिस्तान बनाती है मुस्लिम्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट को अब ब्रिटिशर्स से भी समझ गए कि हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अदरवाइज दे कैन डिमांड और इकनॉमिक फ्रीडम मुस्लिम्स को जब जॉब्स में हिस्सा दिया गया तो एक तरह की इकनॉमिक फ़्रीडम उनको मिल गई जुडिशरी में इनको हिस्सा मिला एग्जैक्टिव में इनको हिस्सा मिला ये 1906 में जाते हैं इससे पहले तक हिंदुस्तान के लोगों को एक्जिकटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं बनाया जाता मतलब यहाँ के लोगों को मिनिस्ट्रियाँ नहीं दी जा रही थी तो इनकी डिमांड के बाद जो रिफ़ॉर्म्स आई थी 1909 की उसमें पहली बार एसपी सिन्हा जो कि एक आ, इंडियन थे उनको लॉ की मिनिस्ट्री दी गई और फिर वेरी नेक्स्ट ईयर नाइनटीन में आई थिंक अली इमाम उनका नाम था सैयदली इमाम तो उनको मिनिस्ट्री दी गई ये मिनिस्ट्री एक एक साल के लिए होती थी तो ये डिमांड भी मुस्लिम्स की पूरी हो गई और ये जो तो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कहा था कि वी नीड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो अलीगढ़ को 1920 में यूनिवर्सिटी बनाया गया 1921 में ढाका यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई तो इमीजिएटली तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस डिमांड को भी एक्नॉलेज किया गया तो इनकी आलमोस्ट सारी डिमांड्स मान ली गई तो हिंदुओं ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया यही कहा कि शायद इट वाज अ प्लान डेपटेशन प्लान बाय द ब्रिटिशर्स जस्ट टू डिवाइड एंड रूल लेकिन ऐसा नहीं था बेसिकली ये एक प्योरली मुस्लिम डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने वाला डेलीगेशन था जिसको मुस्लिम लीडरशिप ने ना सिर्फ ये कि फील किया था बल्कि उसको प्लान भी किया था और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जा के डिमांड्स को वायसराय के सामने रखा ना सिर्फ उसके सामने रखा बल्कि उसको कन्विंस भी किया अगर हम इसका कंक्लूड करें तो लाइक आई स्टार्ट कि ये मुस्लिम हिस्ट्री का सब के अंदर अंडर द ब्रिटिश रूल इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट कि वो मुस्लिम्स टोटल uh, ये नाइन्टी इयर्स की स्ट्रगल बनती है फ्रामीन एटीन फिफ्टी सेवन टू एटीन जीरो फ़ाइव द फर्स्ट फोर्टी एट ईयर्स एंड देन फ्राम नाइनटीन जीरो फ़ाइव टू नाइनटीन फोर्टी सेवन द लेटर फोर्टी टू ईयर तो पहले फोर्टी एट ईयर मुस्लिम बिल्कुल पैसिव रहे एंड द फ्राम दिस पॉइंट एंड ऑनवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे तो ये टर्निंग पॉइंट था इन द मुस्लिम हिस्ट्री Uh, कोई आपकी सजेशन हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़